हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम जनवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। स्पेशल है ये अलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए, क्योंकि उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए स्पेशल क्लास है। अभी आरओ में आपने देखा हुआ है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे, काफ़ी अच्छा लेवल था करंट अफेयर्स का, तो हमने एआरओ के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मांडू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपको देना है उत्तर प्रदेश, आसाम, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका साथ साथ आप रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको भी नॉलेज हो जाए, या फिर आप इसको अटेम्प्ट करके आप चेक कर सकते हैं क्या आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर वो मध्य प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो आपको इसका आंसर बताना है मनोज मुकुंद नरावने, बी नारायण दत्त, सी शिव कुमार या डी आलोक प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है मनोज मुकुंद नरावने। ये अभी 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट्टी कलुआ एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? मतलब इसको किस देश ने बनाया है? ए थाईलैंड, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका या डी मालदीव। तो इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो सी श्रीलंका है। सही आंसर है सी, श्रीलंका विल डेवलप बट्टी कलुआ एयरपोर्ट। ये श्रीलंका ने डेवलप किया है, डेवलप करेगा इसको, और इंडिया इसका पार्टनर कंट्री है। इंडिया से पार्टनर करके, पार्टनर कंट्री है इंडिया, और श्रीलंका इसके साथ इसको डेवलप कर रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अटल किसान मजदूर कैंटीन किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य ने इसको बनाया है, किस राज्य ने इसको लागू किया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। अटल किसान मजदूर कैंटीन जिस राज्य ने अभी लागू की है वो हरियाणा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हीरो इंडिया वुमेन लीग किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये किस शहर में आयोजित हुई है? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु। तो इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसको अभी आयोजित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई है? तो जो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या गुवाहाटी। तो इसका भी सही आंसर बेंगलुरु ही है, ये भी बेंगलुरु में ही आयोजित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, मनी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मतलब किस कंपनी ने या किस उसने लॉन्च किया है? SBI ने, RBI ने, PNB ने या ICICI बैंक ने? किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है RBI। RBI ने इसको लॉन्च किया हुआ है। RBI लॉन्चेस मनी मोबाइल ऐप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड किस शहर में है? तो जो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड है ये किस शहर में है? कोरबा, मथुरा, कानपुर या बनारस। तो जो इसका सही आंसर है वो है कोरोबा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा भारतीय अंडर 21 टेबल टेनिस में विश्व नंबर वन है? मतलब विश्व नंबर वन इनमें से कौन है? मनोज ठक्कर, प्रशांत सिंह, पृथ्वी मिश्रा या आलोक दुबे। याद रखिएगा ये जनवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि चेंज होते रहते हैं समय समय पर। तो इसमें जो है कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर है मनोज ठक्कर जी, ए आंसर सही है, मनोज ठक्कर, याद रखिएगा। चलिए अगला आंसर जो है, अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आपको कुछ भी असुविधा होती है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी मदद के लिए उनको बुला सकते हैं। तो जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो क्या है? ए 112, 123, 139 या 141। तो जो सही आंसर है वो है 139। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर है 139 सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिशा एक्ट किस राज्य ने लागू किया है? तो दिशा एक्ट किस राज्य ने लागू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? ये सारे क्वेश्चन AARO में पूछे गए हैं, आरओ में भी आने की संभावना है, तो आप याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस सीरीज़ में करवाए जा रहे हैं, जिनकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो इसका सही जो आंसर है वो है डी, आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइंस और इंजीनियरिंग पब्लिकेशन में भारत का रैंक क्या है? तो जो साइंस और इसकी पब्लिकेशन है, इंजीनियरिंग पब्लिकेशन, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें चौथा, दूसरा, पहला या तीसरा? तो इसमें जो रैंक है इंडिया की वो है थर्ड, तीसरी रैंक है, मतलब डी आंसर है इसका। कंफ्यूज मत हो जाइएगा सी से, आंसर क्या है? डी, तीसरा, थर्ड रैंक है। और इसमें टॉप किसने किया था? तो टॉप इसमें चाइना ने किया हुआ है। आपको पता है कि चाइना कितना विकसित देश, विकासशील देश है, तो कितना अच्छा कर रहा है, तो चाइना ने इसमें टॉप किया होता और इंडिया थर्ड पोजीशन पर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस का फिफ्थ संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? पुणे, मुंबई, नागपुर या फिर औरंगाबाद? तो इसका जो सही जवाब है वो ए है, पुणे। पुणे में इसको आयोजित किया गया है, ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वी, दे, यू, अवर? तो इन्होंने जो चुना हुआ है वो वर्ड है दे। तो इसका सही जवाब है बी, दे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? भारत किस स्थान पर है? भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में और बच्चे कंफ्यूज हो ही जाते हैं, 100% कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी, ढेर सारी रैंकिंग आती है और उसमें माइंड में नहीं रह पाता। तो आप जब बार बार इनको देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो माइंड में बना रहेगा। तो कौन सी रैंक है, 32, 42, 34 या 38? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 34, सी वाला आंसर है, 34 है इंडिया की रैंक, याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2020 किस जगह आयोजित की गई है? तो जो नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लेह। तो लेह में इसको आयोजित करवाया गया है, ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है, लाई हरोबा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा फेस्टिवल किस राज्य का है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, अंटार्कटिका की सर्वोच्च शिखर माउंट विंसन को कौन फतह किया है, मतलब किसने फतह किया है? तो एक तो क्वेश्चन आपको इसी में जीके का मिल गया है कि अंटार्कटिका की सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट विंसन। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसी को बता दीजिए कि किसने फतह किया है, मालावाद पूर्णा, ज्योति सिंह, कविता मिश्रा या शिखा धूलिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मालावाद पूर्णा जी, ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महिला स्पेशल हेल्पलाइन दामिनी किस राज्य ने लागू की है? तो जो महिला स्पेशल हेल्पलाइन है दामिनी, किस राज्य में लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरला? तो ये यूपी के सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसको लागू किया है। तो यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च वुमेंस स्पेशल हेल्पलाइन दामिनी। तो याद रखिएगा, यूपी ने तो लॉन्च की है, साथ में यूपी में किसने लॉन्च की है? तो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उसने इसको लॉन्च किया है। चलिए जो यूपी के बच्चे हैं, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, UP SSSC के या अलाहाबाद हाईकोर्ट या और भी ऐसे कुछ, तो वो जरा ज़्यादा फोकस रह के इनको देखें, क्योंकि यूपी के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने लॉन्च किया, जैसे इस क्वेश्चन में है कि किसने लॉन्च किया है, तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। चलिए अगला क्वेश्चन।
सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति किस शहर में लगेगी, मतलब लगी हुई है तो किस शहर में लगी हुई है ये दूसरी सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात या नागपुर। तो ये सारे शहर लगभग गुजरात के ही हैं, तो गुजरात में ही लगी हुई है, बट गुजरात में किस शहर में है तो वो है अहमदाबाद में। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के नए डायरेक्टर बना है, तो इसमें किसको बनाया गया है? बबीता रायडू, सोनम सुले, दिव्यांका सिंह या प्रीति पटेल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बबीता रायडू जी हैं। बबीता रायडू नाम याद रखिएगा, महिला हैं इसलिए और भी ज़्यादा याद रखिएगा। बबीता रायडू जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है सेबी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, खेलो यूनिवर्सिटी गेम, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, माफ़ करिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होगा यहाँ पर, तो किस राज्य में आयोजित होंगे? अभी आप जान रहे थे खेलो इंडिया गेम चल रहे थे, यूथ गेम, और ये दूसरे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, तो ये कहाँ पर होंगे? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आसाम या गुजरात? तो इनको उड़ीसा में ही करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित होगी? पहले क्वेश्चन था, दूसरा वो विज्ञान कॉन्फ्रेंस थी, और ये है महिला विज्ञान कांग्रेस। तो कहाँ पर होगी? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या फिर गुवाहाटी? तो ये भी होने वाली है बेंगलुरु में। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा महिला विज्ञान कांग्रेस है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कछुआ पुनर्वास, जो पुनर्वसन केंद्र है, किस राज्य में बनेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या हरियाणा? तो ये बनेगा बिहार में। इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ई गैजेट पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ई गैजेट जो पोर्टल है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और गुजरात। तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ओडिशा, ठीक है, सी नंबर है, सी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने लागू की है? तो ये किस राज्य की है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना? तो उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो ये है मध्य प्रदेश की, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त, ये 25 क्वेश्चन थे फर्स्ट वीक के, ऐसे ही करते हुए आपको सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, मतलब पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाएगा। तो और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एआरओ के लिए, जो अभी वैकेंसी आने वाली है, तो चलिए गाइस थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।